हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। आज मैं जो भाई आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये एक पॉपुलर मिठाई है जो कि नॉर्थ इंडिया में बनाई जाती है। ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला हलवा इसे कहते हैं और इसका जो स्वाद है वो एकदम ज़बरदस्त होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे किसी भी ओकेजन या किसी भी दिन बना सकते हैं जब आपका मन चाहे। इसी का एक पॉपुलर वेरिएशन है जिसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं, जो कि गुरुद्वारे में सर्व किया जाता है। कड़ा प्रसाद का मतलब है कढ़ाई में बनाया जाने वाला प्रसाद और जो काफ़ी कड़ा हुआ हो। सो आप एक बार मेरे इस तरीके से कड़ा प्रसाद बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सो दोस्तों, आटे का हलवा या कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें इसे भारी कड़ाही में ही बनाना है। उसके बाद जो रेशो रहेगा 1:1:1:2, यानी घी, चीनी और आटे का हलवा हमने 1 कप लेना है और जो पानी लेंगे हम वो जस्ट इसका डबल लेंगे, यानी 2 कप। तो अगर आप 2 कप चीनी ले रहे हैं, 2 कप आटा ले रहे हैं और 2 कप घी ले रहे हैं तो आपको पानी इसका डबल लेना होगा, यानी कि 4 कप। तो मैं यहाँ पर 1 कप घी यूज कर रही हूँ। सो सबसे पहले गैस के नॉब को ऑन कर लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 कप घी। सो मैं जिस कटोरी से आटा मेजर कर रही हूँ उसी मेजरमेंट से मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। आप चाहे तो घी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का प्रसाद गुरुद्वारे में बनता है उसमें घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको तभी गुरुद्वारे वाला टेस्ट आएगा इसमें, जब इसमें घी की मात्रा ज़्यादा होगी। अब देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब जैसे ही ये थोड़ा गर्म हो जाएगा हम इसमें आटा डाल देंगे। सो घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप आटा। इसी क्वांटिटी से, इसी कप से मैंने मेजर किया था घी और इसी से मैं बाकी मेजरमेंट्स भी लूँगी। सो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं आटा। आटा डालते हुए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। इससे क्या है, लम्प्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहिए। सो फ्रेंड्स, आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि इससे क्या है आटे के हलवे में ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे बनाओगे तो आटे का जो स्टार्च है वो ढंग से पक नहीं पाएगा। सो आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब जैसे जैसे आटा भुन रहा है, आटे की सौंधी सौंधी जो खुशबू है ना वो आना स्टार्ट हो गई है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बहुत ज़्यादा इसमें अगर आप डार्क करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की कोशिश करेंगे तो हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत जला जला आएगा। तो आपको याद रखना है इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। सो ये देखिए, अब आटे में हल्का हल्का कलर आ गया है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देते हैं। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए क्योंकि अगर एक बार लम्ब्स बन गए तो वो लम्ब्स बनते ही चले जाएंगे। तो आप इसे चलाते रहिए। सो इस तरह से रेगुलरली इसे चलाते रहना है और आपने इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है।
आप जब रेगुलरली इसे चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ये देखिए, जैसे ही ये लो फ्लेम पे अच्छे से भुन जाएगा उस स्टेज पर ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। सो अभी इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते रहने दीजिए। देखिए 3 से 4 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर भुनने के बाद इसका टेक्सचर पूरी तरह चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देते हैं। ये जो है लास्ट और फाइनल स्टेज है आटे के हलवे की या कड़ा प्रसाद की। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें, क्योंकि चीनी भी अपना मॉइस्चर छोड़ती है, पानी छोड़ेगी, तो हमें इसे ऐड करने के बाद अच्छे से पका लेना है और बहुत जल्दीबाजी में कड़े हलवे को नहीं पकाना होता है। इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है और पेशेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट ही आपको पेशेंस रखना है। अब जैसे धीरे धीरे ये पकता रहेगा तो आप देखेंगे कि इसका जो घी है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और यही पहचान है कि हलवा जो है वो रेडी हो गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जब घर में हलवा बनाते हैं तो उसका कलर डिफरेंट होता है और गुरुद्वारे वाले हलवे का कलर जो है वो इतना डार्क और डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों? तो वो इसलिए है क्योंकि गुरुद्वारे में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हलवा पकाया जाता है, तो भुनते भुनते यानी कड़ते कड़ते उसका जो कलर है वो उस तरीके का हो जाता है। सो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जो घर पे हलवा बना रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। सो देखिए फ्रेंड्स, कड़ा प्रसाद जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही अच्छा लगता है। सो ये देखिए दोस्तों, कड़ा प्रसाद जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे शांत मन और शांत दिल से बनाएं और पूरे सेवा भाव से आपका कड़ा प्रसाद 100% गुरुद्वारे जैसा ही बनेगा। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये कड़ा प्रसाद की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टोस्टी किचन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।